का हिस्सा होंगे। और इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर आज लखनऊ वापस लौटेंगे। बुधवार की देर शाम अखिलेश यादव का विजय रथ उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचा था। करीब 5 घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और विजय रथ यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत अखिलेश यादव ने गाजीपुर से की थी। पहली बार रथ यात्रा पर सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर और हाल ही में सपा में शामिल हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी नजर आए। गाजीपुर और मऊ में कई जगहों पर सभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव मऊ से आजमगढ़ पहुंचे थे। कई घंटे की देरी के बावजूद भी आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। आजमगढ़ के बाद आज विजय रथ यात्रा वापस लखनऊ पहुंचेगी। उत्साह चरम पर था कल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने नेता को अपने बीच में देखकर। ये देखिए आप तस्वीरें कल की, गाजीपुर मऊ और आजमगढ़ के बाद आज लखनऊ लौटेंगे अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर। चौथे चरण में पूर्वांचल के जिलों का उन्होंने दौरा किया है, आज वापस लौट जाएगी लखनऊ। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा सुभाषपा की हुंकार, गाजीपुर से लखनऊ तक रोड शो की ललकार। ये गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, ये गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। लाल पीली हरा नीला, किसको मिलेगा लखनऊ का किला? ये लाल पीला हरा नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन के बाद अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन। खुद तो चल रहे थे गाड़ी में, खुद तो चल रहे थे चार पहिए की गाड़ी में, और कोई चल रहा था पैदल पैदल। सबसे आगे है मिराज 2006 के पायलट हैं। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां बड़े बड़े महाबली लड़ाकू विमान उतरे, आसमान का सीना चीर कर गर्जे थे। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ रोड शो निकालकर 22 की जंग का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और जहां अमन चैन होगा, बदलाव अमन चैन के लिए और 22 में बदलाव होके रहेगा। ये जो एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। ये समाजवादी विजय रथ यात्रा का चौथा चरण था, लेकिन सुभाषपा के साथ सपा का ये पहला रोड शो था। या यूं कहें कि जो शक्ति प्रदर्शन एक दिन पहले भाजपा ने किया था, उसका जवाब देने का दिन था। अखिलेश के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा संभाला तो भाजपा का दरवाजा बंद करने की बात कहकर हमलों की झड़ी लगा दी। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। सभी लोग तैयारी करो, ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया हूं, अब वो खुलने वाला नहीं है साथी। सपा और सुभाषपा का ये संयुक्त रोड शो यूपी का सियासी पारा चढ़ाने के लिए काफी था, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ये रोड शो 16 नवंबर को करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उन्हें इजाजत नहीं मिली। ऐसे में सबको पता था कि जब अखिलेश रोड शो लेकर निकलेंगे तो भव्य नजारा होगा, भीड़ जुटेगी, कार्यकर्ताओं का शोर होगा, और हुआ भी।
क्योंकि गाजीपुर से शुरू हुआ रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सपा सुभाषपा के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ता गया। ये लाल पीला हरा नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। 22 की जंग में गाजीपुर अखिलेश यादव के लिए बहुत खास है, क्योंकि हाल ही में गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष पासी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अखिलेश को अपना किला फिर से मजबूत करने की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गाजीपुर हमेशा से यूपी की दिशा तय करता रहा है। 2017 में यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा ने जीती और सरकार बनाई। ठीक इसी तरह 2012 में सपा ने गाजीपुर की 6 सीटों पर कब्जा जमाया था और सरकार बनाई थी। मतलब गाजीपुर पर जिसका कब्जा, लखनऊ में उसकी सत्ता वाली कहावत कही जाती रही है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक जाता है। 22 में कौन लखनऊ पहुंचेगा, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी माहौल के बदले माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन वोट की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये जनता का वोट तय करेगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।